आज का ध्यान है जब हम हृदयस्थ होकर यानी अपने हार्ट में स्थापित होकर अपना कार्य शुरू करते हैं। तो इस तरह के मेडिटेशन में जहां पर आपकी जो जकड़न है वो आपके पास्ट में है, कोई पास्ट का बैड एक्सपीरियंस, कोई ऐसी यादें, कोई ऐसा अनुभव रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें एक खास तरह का मेडिटेशन करना पड़ता है। मैंने शुरुआती क्लासेस में वो मेडिटेशन कराया भी था। हम हृदय चक्र के साथ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन को जोड़कर अपने अतीत से मुक्त हो सकते हैं। एक सतत अभ्यास करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज हम ध्यान में अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, जो भी है, कई बार मैंने बताया अहंकार भी हो जाता है, कई बार हमें गर्व हो जाता है, कई बार हम अतीत में जाते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमारे मन में कुछ रिग्रेट रह जाते हैं, उन सभी से हम मुक्त हो सकते हैं, उन सभी से हम फ्री हो सकते हैं। तो चलिए आज का ध्यान हम करते हैं, और अतीत से मुक्त होने के लिए, पास्ट के एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, इन सब से फ्री होते हुए ध्यान लगा सकते हैं। हम ध्यान की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपनी योगिक ब्रीदिंग से। मेरे साथ आप लोग योगिक ब्रीदिंग करेंगे। योगिक ब्रीदिंग में जो लोग नए हैं वो जान लें कि हम अपने नॉस्ट्रल्स, नासिकाग्र से सांस लेते हुए, हम अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई से होते हुए, स्पाइन से होते हुए हम फिर अपने एब्डोमेन तक जाते हैं। चेस्ट में सांस नहीं जाती है। हम एब्डोमेन में सांस को स्टोर करते हैं, एब्डोमेन को नीचे की तरफ खींचते हैं। थ्री टाइम्स जो है हमारी एनर्जी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि एब्डोमेन जो हमारा फेफड़ा ज्यादातर है हम उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो फेफड़े में एक्सपेंशन होता है, ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन ब्लड से मिलती है, हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है, हम रिचार्ज होते हैं और बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं। यही कारण है कि जब आप लोग मेडिटेशन करते होंगे तो आप देखते होंगे उसके बाद आपको एक बड़ी शांति, एक बहुत ऊर्जा मिलती है, उसका यही कारण है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं योगिक ब्रीदिंग की। सबसे पहले आप अपने पेट पर हाथ रख लें और पेट को फुलाएं और पिचकाएं, फुलाएं और पिचकाएं, पेट को ही एक बलून की तरह समझें और फुलाएं और पिचकाएं। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, और आराम से सांस लेना, इनहेल, उसी गति में सांस को छोड़ना है। देखिए चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा, पेट फूलेगा। मन अगर भटकता है तो फिर से उसको अपनी श्वसन पे लेकर आए। हम बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ध्यान रखें कि बीटा ब्रेन वेव्स में उनकी इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन बहुत कम हो जाती है। वो जो पढ़ तो रहे होंगे लेकिन उसको बहुत देर तक याद नहीं रख पाएंगे या वो दिमाग में नहीं सेट होता है। तो यौगिक ब्रीदिंग जो होता है वो आपको
वापस अल्फा में ले आता है, और अल्फा में ही आपकी जो आप पढ़ रहे हैं उसकी रिसेप्शन बढ़ जाती है। तो योगिक ब्रीदिंग जब भी आप पढ़ने बैठे, जितनी भी सिटिंग्स लंबी ले रहे हैं, उसमें आप योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करें। अब आ जाइए, आज हम लोग हृदयस्थ होकर यानी हृदय में समाहित होकर अपने हृदय चक्र जो कि हरे रंग का होता है और जो कि प्रेम सद्भावना इन गुणों के साथ जुड़ा होता है, तो आज हम उन्हीं गुणों के साथ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में आप अपने आप को स्थिर प्रज्ञ होकर देखें, अपने अंदर जाएं, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखें, शांत होकर बैठें। और अब धीरे धीरे अपने आप को फ्री छोड़ें, अंदर ही अंदर श्वसन को शांत करिए, धीरे से सांस जानी चाहिए। और खुद के भीतर प्रवेश करें, खुद को अंदर से देखें, प्रकाश को फैलते हुए देखें, हृदय से एक ऊर्जा का चक्र बाहर की तरफ फैल रहा है, महसूस करें हृदय में एक सूर्य चमक रहा है, एक ऊर्जा है जो आपके हार्ट से, ये आपका जहां पर फेफड़े का निचला हिस्सा होता है, ये हिस्सा, यहां पर एक ऊर्जा चक्र को महसूस करें। चाहे तो आप, अगर आप अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो यहां थोड़े समय के लिए हाथ रख लें, हाथों के ऊर्जा स्पंदन को यहां महसूस करें। महसूस करिए कि यहां से ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है। ज्यादातर समय ध्यान लगाते समय यहां से ऊर्जा को हम प्रवाहित कराते हैं, यहां से ऊर्जा को प्रवाहित कराइए पूरे शरीर में, इस चक्र को जागृत करिए, हृदयस्थ हो जाइए। संसार में बहुत सी समस्याओं का समाधान हमारी इपैथी में होता है, हमारे अंदर सद्भावना में होता है। प्रेम बड़े से बड़े शत्रु को नष्ट कर देता है, प्रेम हमें क्षमा दया इन सबको सिखाता है। बच्चा कितनी भी शैतानियां करें, कितनी भी नादानियां करें, माँ का प्रेम सबसे विशाल कहा गया है। माँ बहुत बड़ी ध्यानी होती है। माँ का हृदय चक्र बहुत विकसित होता है, इसीलिए माँ को संसार में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो आज अपने अंदर हम स्थित्व को पैदा करेंगे। नारी इसीलिए पूज्य होती है, देवी होती है, क्योंकि पुरुष की तुलना में नारीत्व का हृदय चक्र बहुत विकसित होता है। जो पुरुष अपने हृदय से नारी हो जाता है, वो महानतम हो जाता है। तो नारीत्व के इस गुण को धारण कर प्रकृति ने, इसीलिए हम जब शिव की पूजा करते हैं तो हम शक्ति की बात करते हैं, हम अर्धनारीश्वर उन्हें कहते हैं। उन्हें योग की ऊंचाइयों में देखा गया, ध्यान में, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं, अब ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में एंटर करते हैं हम लोग। आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं अथवा चक्र बना सकते हैं आप।
अपने हृदय स्थल तक पहुंचिए। क्या आप अपने अंदर जा पा रहे हैं? क्या आपको एक भावनात्मक ऊर्जा दिखाई पड़ रही है? उसका पहला पहचान होता है गूज़बम्प आते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अपने अंदर दया, प्रेम, इन भावनाओं को महसूस करें। महसूस करें आप एक बहुत दयालु व्यक्ति हैं। आपका हृदय स्थल बहुत विशाल है। आपका हृदय चक्र बहुत विकसित है। आप अपने शत्रुओं को भी माफ कर सकते हैं। जिन्होंने अतीत में आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उन्हें भी माफ कर सकते हैं। बदला, घृणा, क्रोध, नफरत, ये सब कुछ आपके हृदय में नहीं रह सकते। आप शांत हैं, आप प्रेम में हैं। अब एक एक करके उन बंधनों को मुक्त करिए जो आपको रोके हुए हैं या जो आपको रोके रहते हैं। हम अपने दिन के ज्यादातर हिस्सों में, वो लोग जो मेडिटेशन नहीं करते, वो केवल दो अवस्थाओं में रहते हैं। वो या तो अतीत यानी पास्ट में जीते हैं, या भविष्य को लेकर डरे, रोमांचित इस तरह रहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं ध्यान में गलत मानी गई हैं। कि आप ज्यादातर अतीत में रहें या भविष्य में रहें। ध्यानम निर्वेश्यस्य मनः, ये दोनों विषय हैं। अतीत की यादों में हम खोए रहते हैं या भविष्य के हम सपने बुनते रहते हैं। ध्यान कहता है वर्तमान में रहना। ओशो कहते हैं होश में रहना। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं स्थिर प्रज्ञ हो जाना। इन सब का एक ही मतलब होता है और वो होता है वर्तमान में रहना। क्या घटित हो रहा है इसके साथ चलना। तो हम अतीत में क्यों जीते हैं? क्योंकि वहां बंधन होते हैं। हमने किसी याद, किसी घटना के साथ खुद को बांध लिया होता है। आज आंखें बंद करके अतीत में चलते हैं। ध्यान लगाते समय उन लोगों का ध्यान करिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको बहुत गलत व्यवहार किया है, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, किसी ने आपको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया है। उन सभी के चेहरे याद करिए ध्यान से। लेकिन आप हृदय स्थल में हैं, ना उनके प्रति कोई गुस्सा है, ना कोई नफरत है, कुछ नहीं। आज उनको बड़े ध्यान से देखिए, अपने समीप महसूस करिए। न उनके सम्मुख आज आप कमजोर हैं, कुछ नहीं है। आप अपने हृदय में हैं और अब उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दीजिए। किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया,
जाने दीजिए, अच्छे पलों को याद करिए, जाने दीजिए उसको। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, जाने दीजिए। किसी ने आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बोली मैं इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, आज उन्हें मुक्त कर दीजिए। क्योंकि उनकी मुक्ति में आपकी मुक्ति है। आप जाने अनजाने ये जो निगेटिव फीलिंग्स हैं आपने अपने पैरों में बांध लिए हैं, तो अब आप अपने सपनों की उड़ान नहीं उड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में पिछली यादों की, कड़वी यादों की जंजीरें बंधी हुई हैं। तो जब तक जंजीरें तोड़ोगे नहीं तब तक आगे कैसे जाओगे? जाने दो उन्हें। प्रेम को अपने शुद्ध स्वरूप में समझो। आपने किसी के प्रति कोई गलती की है, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, आपने किसी का अपमान किया है, आपने किसी को धोखा दिया है, आज ट्रू मीनिंग में अपने अंदर जाओ और इसको स्वीकार कर लो, माफी मांग लो। आज उस व्यक्ति के सामने, वैसे तो हम संसार के सामने हम झूठा अहंकार दिखाते हैं, नहीं हम कहां गलत थे, हम बिल्कुल सही थे, लेकिन आज तो आप अकेले हो, आप जाओ और आज माफी मांग लो, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। क्योंकि दुनिया से तो झूठ बोल लिया लेकिन मेरे अंदर वो बोझ मैं लेकर घूम रहा हूं। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको आप माफ करें, आपने किसी के साथ गलत किया उनसे आप माफी मांग लें, हृदय से माफी मांग लें। आज के बाद मेरे हृदय में कोई भी कड़वी याद नहीं होनी चाहिए, कोई भी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। आपको एक भारीपन महसूस हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन अब वो आपके यादों का हिस्सा नहीं होंगे। आज से आप मुक्त हैं। आज से आपका हृदय चक्र विकसित हो रहा है। आप प्रेम को समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा गुण होता है। गौतम बुद्ध महान बने अपने इन्हीं क्षमा गुणों की वजह से। गांधी ने कहा कि कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हम भले चाहे कुछ भी मजाक उड़ाएं लेकिन ध्यान से देखिए उस व्यक्ति का हृदय चक्र कितना विशाल था और आज हमने महात्मा कहा जाता है। अतीत को आज से ढोना नहीं है, सारी जंजीरें मुक्त कर दो। अपने हृदय चक्र को विशाल होता हुआ देखो। एक सूर्य तुम्हारे हृदय चक्र पर चमक रहा है, इस स्थान पर एक सूर्य चमकना शुरू कर चुका है। अद्भुत है उसकी आभा। आज ऊर्जा का केंद्र हृदय आ गया है और इस ऊर्जा के केंद्र में जब हृदय में आप पहुंच रहे हैं, कि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, मैं आईएएस बनूंगा, मैं एक अच्छा लोक सेवक बनूंगा, फिर आंखों से वो सपने कहां जाते हैं, मस्तिष्क धारण कर लेता है। मस्तिष्क से जब वो सपने हृदय में आ जाते हैं तो वहां से अवचेतन में चले जाते हैं
और जब कोई ड्रीम तुम्हारा अवचेतन में पहुंच जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है, तो फिर मिरेकल्स होते हैं। वो चीज तुम्हारे सामने होकर रहेगी, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज्ञा चक्र को खोला, आज हम हृदय चक्र को खोल रहे हैं। हम अंदर के कूड़े कचरे को साफ कर रहे हैं, जगह को बड़ा कर रहे हैं। मुक्त हो जाने दो सबको, आज चले जाने दो, माफी मांग लो या माफ कर दो, जाने दो। अपने आप को अपने दिव्य स्वरूप में महसूस करो। पूरा हृदय आह्लादित है, आनंदित है। तुमने देखा है जब कोई व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, नाचता है, गाता है, तो वो रोने लगता है। भागवत गीता में इसे भक्ति योग कहा गया है। जब हम अपने आराध्य, अपने लक्ष्य के साथ हृदय से जुड़ जाते हैं, तो भक्ति योग प्रारंभ होता है। किसी सूफी संत को देखना, किसी ज्ञानी को देखना, आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, पागलों जैसी हरकत है, लेकिन नहीं, भक्ति योग को बहुत ऊंचाइयां दी गई हैं। अपने हृदय चक्र को खोलना शुरू करो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, कोई द्वेष नहीं है मेरा तुमसे, मैं आज से मुक्त हूं, मैं स्थिर प्रज्ञ हूं। अपने हृदय क्षेत्र को विस्तार लेते हुए देखो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए चार चरण होते हैं। आज अपने सपनों को अपने हृदय में स्थापित करो, एक स्टेप और आगे। क्या शरीर में कोई करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है? क्या रोने का मन कर रहा है? आंखों में आंसू आ रहे हैं? क्या कोई भावनात्मक भारीपन महसूस हो रहा है? हो रहा है तो होने दो, बहने दो। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे हृदय स्थान में जगह बढ़ती जा रही है। मैं अपने आप को बहुत चौड़ाई में महसूस कर रहा हूं। एक तीव्र रोशनी चमक रही है वहां पे। यह अद्भुत ध्यान है। वापस आओ। इसमें हमारे चक्रों का भी बहुत हाथ होता है। हमारा एक मूल चक्र होता है, इसके विषय में कभी आगे मैं बात करूंगा। ये ध्यान मुझे बहुत पसंद है और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं आज आंख खोलूं। हृदय की विशालता आपको एक अलग ही ऑरा में लेके जाती है, स्थिर। अभी भी मैं यहां पर एक बहुत भारीपन महसूस कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपका भी ये महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मेरा मूल चक्र ही हृदय चक्र है। ये हरे रंग का होता है, तो लोगों के प्रति संवेदना, लोगों के प्रति जागरूक होना, ये मेरी मूल प्रवृत्ति है। उनके दर्द को समझना, ये मेरी मूल प्रवृत्ति है। उसी तरह हर व्यक्ति के अपने खुद खास चक्र होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम मुक्त रहें, हम अतीत की यादों से फ्री हो जाएं, क्योंकि हम
पूरे दिन भर ध्यानस्थ होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं, और आप जिन सपनों को देखते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सपनों से मस्तिष्क से हृदय से होते हुए अवचेतन की यात्रा हमें करनी पड़ेगी, और हम वही कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन आपको बहुत शुभ हो, ध्यान हो, और अपनी समस्याओं को भेजते रहें। ध्यान के माध्यम से हम बहुत सी चीजों का समाधान कर सकते हैं। ध्यान करते रहिए, इस परिवार में लोगों को जोड़ते रहिए, लोगों को बताइए, और हम पॉजिटिव हो सकें इसके लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। मिलता हूं, नमस्कार।